तो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में हमारे साथ हो चुका है पोपट और भी खतरनाक वाला। कल के व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि एक सरप्राइज है, उस सरप्राइज के लिए हम सुबह में 5 बजे निकल चुके थे, बट श्रीरामपुर में लोकल ट्रेन ही नहीं आई उस टाइम के बाद 2-1 घंटा तक। फिर हमारा पोपट हो चुका जो हमारी वो ट्रेन थी छूट चुकी। चलो ऐसा कोई नहीं, नेक्स्ट ट्रेन हम लोगों ने बुक कर दिया, वो नेक्स्ट टाइम फिर से हम लोग जाएंगे। इसकी तैयारी करके कहाँ जाना है ये तो बाद में बताएंगे, बट सब पैकिंग वगैरह हो चुके। देख सकते इधर मेरा बैग रखा हुआ है, इधर सब इसमें सामान अभी इसी में, लैपटॉप मेरा गैजेट सब उसी में। अभी फिर भी पॉपट हो गया, तो अभी मैंने बिरयानी ऑर्डर की है तो खाएंगे, उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे कुछ देर बाद। बट अभी एक बात करनी थी कि यार, ये जो ट्रेन्स वाला पंगा है ना वेस्ट बंगाल में, ये आज से नहीं, जब से लॉकडाउन है तब से अभी तक सही नहीं हुआ। ये हॉर्न पता नहीं क्यों मार रहा है, वीडियो नहीं बनाने देगा। और वैसे सब कोई गया हुआ है अपना अपना काम पे, और घर पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ, मम्मी भी नहीं है, मम्मी गई अपना घूमने। और वीडियो स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करते हैं, चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं। मेरे टेबल का हालत देखो, इधर कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप तो उस बैग में है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है सब। वैसे तो 6 घंटा के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप डाउन थे, तो उससे हम लोग का लॉस भी हो गया है। मेन बात, बॉलू का 2 ऑर्डर्स करने थे और OTP वगैरह का कुछ झंझट था, तो उसको व्हाट्सएप पे आना, मतलब कि दूसरे बंदे व्हाट्सएप पे भेजते, मैसेज वगैरह में स्लो हो जाता, कभी कभी मैसेज नहीं जाता। तो बट जानते ही हो क्या था, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप तो डाउन थे 6 घंटा के लिए, वो भी सोच लो कितना। और वैसे तो मार्क भैया को $7 बिलियन का लॉस हो चुका है, समझ सकते हो कितना बड़ा अमाउंट होता है। वैसे हम लोग ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत लॉस हुआ है। वैसे हम लोग जो काम कर रहे थे उसके ऊपर भी व्हाट्सएप पे ही था, तो वो व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा था, व्हाट्सएप वेब लिंक ही नहीं हो रहा था, और कोई मैसेज करे तो उसको ऑटोमेटिक मैसेज नहीं जा रहा था, सब कोड्स वगैरह भी नहीं काम कर रहे थे, सब गया। तो फिर जाके जब व्हाट्सएप ऑन हुआ तो वो अपने आप सब काम करना फिर से चालू हो गया, तो शुक्र मनाओ कि सब सही है। वैसे मार्क भैया, थोड़ा बहुत IP एड्रेस को संभाल के रखा करिए, वह DNS सर्वर उड़ा देते हैं आप। वैसे टेक्निकल वर्ड्स जिसको समझ नहीं है, जाकर टेक बर्नर का वीडियो देखो। हाँ तो भाई, टेक बर्नर का वीडियो तो देखने के बाद मुझे समझ तो आ गया, और आपको भी समझ आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम थी। और वैसे टेक्निकल गुरुजी ने हमारे वीडियो बना दिए, तो वो भी देख लेना, सपोर्ट क्या सपोर्ट करूँगा यार, खुद का व्यूज़ नहीं आते हैं मेरे। तो वैसे छोड़ो, मजाक कर रहे थे, ये सब साइड में बात रखते हैं। तो चलो, अभी मुझे पहले बात, मैंने सुबह बिरयानी ऑर्डर की थी, तो बिरयानी मैंने थोड़ा सा खाया था फिर रख दिया था, क्योंकि उस टाइम खाने का मन नहीं कर रहा था, कंप्यूटर्स में लग गए थे हम, तो बिरयानी खाते हैं। तो अभी का सीन कुछ इस कदर गया है कि मैंने उस टाइम बिरयानी खाने के बाद फिर अपना वर्क पे बैक हो गया था, मतलब ना काम करने लगा था। तो अभी मम्मी बना रही है खाना, शाम के बज रहे हैं 7, और वैसे पापा बबलू पे और दादी घर पे आ चुके हैं। तो दिक्कत अभी ये है कि उन लोग, शायद हमको ऐसे देखने में लग रहा है कि किसी का मूड ख़राब है, तो वहाँ पर ब्लॉगिंग तो हम करने वाले नहीं हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बस। चलो मिलते हैं कुछ देर बाद। वैसे मम्मी ने आज चना आलू की सब्ज़ी बनाया, बस उसमें रसा ज़्यादा कर दिया, चना दिख नहीं रहा है। तो हाँ भाई लोग, खाना पीना हो गया है, तो चलो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आप सबके मोहब्बत के लिए धन्यवाद, और चलो अब कल मिलते हैं। तो कल शायद कुछ आपको स्पेशल मिले, कल ही से बोल रहा हूँ कि स्पेशल मिले, बट क्या करूँ, आज पोपट हो गया हम लोग का, तो अगला बार पोपट नहीं होने देंगे, कोशिश करेंगे, क्या था? पोपट का कोई भरोसा नहीं कब हो जाए। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना मोहब्बत के लिए धन्यवाद, आपका मोहब्बत इसी तरह बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।